ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र संख्या 613 613 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम स्मरण करना चाहें तो भगवान श्री कृष्ण और उद्धव की वार्ता चल रही है स्कंद 11 में। विशेष रूप से जहाँ सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को अनेकानेक श्रोता वक्ताओं के इस युग्म में विषय वस्तु की निरंतरता के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रमुख श्रोता और वक्ता सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित हैं, पर सुखदेव गोस्वामी घटनाक्रम के इस विवरण में कहीं नारद मुनि और वसुदेव की वार्ता सुना रहे हैं, कहीं भगवान श्री कृष्ण और उद्धव की वार्ता सुना रहे हैं, और उस वार्ता में कहीं राजा यदु और दत्तात्रेय अवधूत की वार्ता है, कहीं राजा निमि और नव योगिंद्रों की वार्ता है। अब वर्तमान में जो भगवान श्री कृष्ण और उद्धव की वार्ता चल रही है उसमें वर्णाश्रम व्यवस्था प्रणाली के बारे में आज के सत्र में बताया जाएगा। तो भगवान ने उद्धव के संग संवाद में नित्य बद्ध नित्य मुक्त जीवों के बारे में बताया, वैराग्य और ज्ञान से आगे क्या है इसके बारे में बतलाया। भगवान ने यदि हम स्मरण करें तो ब्रह्मा जी के पुत्रों सनत सनंदन सनातन सनत कुमार की सभा में हंसावतार के रूप में जीव और भगवान में अंतर क्या है और समानता क्या है उसके बारे में भी बताया। भगवान ने अपनी योग सिद्धियों का, विभूतियों का उल्लेख किया है उद्धव को, और अब यहाँ पर वर्णाश्रम प्रणाली का वर्णन करने जा रहे हैं। तो वर्णाश्रम प्रणाली वास्तव में धर्म अर्थ काम मोक्ष चार प्रकार के जो स्तंभ कहे गए हैं उसमें सामाजिक एवं धार्मिक सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए भगवान के द्वारा जो व्यवस्था स्थापित की गई है। भगवद गीता अध्याय 4 में भगवान ने अर्जुन को ये बतलाया है और अब यहाँ पर उद्धव को बतलाएंगे। तो आज के सत्र में हम सभी श्रवण करेंगे वर्णाश्रम प्रणाली का वर्णन। करीब 58 श्लोक है इस अध्याय में, तो मंगलाचरण के पश्चात क्रमबद्ध तरीके से एक एक श्लोक को श्रवण करते हुए हम सभी आगे बढ़ेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् श्रण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनम् यद्यन्तस्तोय भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र
613 613 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 11 अध्याय 17 आरंभ करने जा रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णाश्रम प्रणाली का उल्लेख किया गया है। तो जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का उपयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ। स्कंद 11 अध्याय 17 वर्णाश्रम प्रणाली का वर्णन भगवान के द्वारा। श्री उद्धव उवाच, यत्वया अभिहिता पूर्वं धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षणा वर्णाश्रम आचारवतां सर्वेषां द्विपदामपि यथा अनुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिर्नृणां भवेत्। स्वधर्मेण अरविंदाक्ष तत्मम आख्यातुमर्हसि। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, इसके पूर्व आपने वर्णाश्रम प्रणाली के अनुयायियों द्वारा तथा सामान्य अनियमित मनुष्यों द्वारा भी अनुकरण किए जाने वाले भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन किया है। हे कमलनयन, अब कृपा करके मुझे बतलाइए कि इन नियत कर्तव्यों को संपन्न करके सारे मनुष्य किस तरह आपकी प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने, यदि हम देखें इन क्रमबद्ध अध्ययन में जिन्होंने सत्रों का नियमित श्रवण किया है स्कंद 11 का, भगवान ने ज्ञान योग के बारे में, भगवान ने भक्ति योग के बारे में, भगवान ने अष्टांग योग के बारे में विस्तृत चर्चा की है। तो अब उद्धव ये पूछना चाह रहे हैं भगवान से कि जो कर्म योग की ओर उन्मुख है वे किस तरह जीवन की सिद्धि कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सकते हैं। जब भगवत गीता में भगवान अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में कहते हैं कि वर्णाश्रम प्रणाली के सृष्टा वही है, तो वो वहां स्पष्ट करते हैं कि गुण कर्म और स्वभाव के द्वारा ये वर्णाश्रम प्रणाली का आधारशिला स्तंभ स्थापित किया गया है। तो वास्तव में उद्धव प्रश्न करना चाह रहे हैं कि भगवान का भक्त बनकर शुद्ध भक्ति की विधि प्राप्त करने के लिए वो जीव जो कर्मयोग के माध्यम से यदि प्रयास करे उसके लिए क्या मार्ग है। वास्तव में देखा जाए तो यदि किसी ने कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने कर्तव्यों को, अपने मन बुद्धि को स्थिर कर लिया है, तो उसे वर्णाश्रम प्रणाली की औपचारिकताएं पूरी करने की आवश्यकताएं नहीं है। तथापि सामान्य जनमानस के लिए यह विषय स्पष्ट रूप से भगवान के श्रीमुख से व्यक्त हो, इसलिए उद्धव के द्वारा ये प्रश्न। पुरा किल महाबाहो धर्मं परमकं प्रभो यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेभ्यात्तमाधव स इदानीम सुमहता कालेनामित्रकर्षना न प्रायो भवितामर्त्य लोके प्रागनुशासित। हे प्रभो, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, आपने इसके पूर्व अपने हंस रूप में ब्रह्मा जी से उन धार्मिक सिद्धांतों का कथन किया है जो अभ्यासकर्ता को परम सुख प्रदान करने वाले हैं। हे माधव, तब से अब तक काफी काल बीत चुका है और हे शत्रुओं के दमनकर्ता, आपने जो उपदेश पहले दिया था उसका महत्व शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। तो जिस प्रकार से सूर्य आकाश में उदित है और बादलों के घटाघोप में कई बार वो दृश्यमान नहीं होता, वैसे ही भगवान के लिए उद्धव यहाँ पर कहने जा रहे हैं कि वास्तव में आपने इस ज्ञान को पहले प्रसारित किया है, पर भगवान प्रकृति के काल के प्रभाव में जो आपका ही विस्तृत स्वरूप है, इसका महत्व, इसकी उपयोगिता, इसको अभ्यास करने की विधि समय के साथ थोड़ी धूमिल हो गई है, जीवों को स्पष्ट नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में उद्धव संकेत कर रहे हैं कि आप उसको पुनः एक बार, क्योंकि जब आपने ब्रह्मा जी से कहा था तब से बहुत समय बीत गया है, भगवान एक बार पुनः सुनाने की कृपा करें। वक्ता कर्ता विता नान्यो धर्मस्याच्युतते भुवि सभायामपि वैरिंचाम यत्र मूर्ति धरा कला कर्त्रा वित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसूदना त्यक्ते मही तले देव विनष्टम कः प्रवक्ष्यति। हे अच्युत, इस पृथ्वी पर या ब्रह्मा की सभा तक में परम धार्मिक नियमों का आपके सिवा कोई ऐसा वक्ता, सृष्टा तथा रक्षक नहीं है जहाँ साक्षात वेद निवास करते हैं। इस तरह हे मधुसूदन, जब आध्यात्मिक ज्ञान के सृष्टा, रक्षक तथा प्रवक्ता आप ही
पृथ्वी का परित्याग कर देंगे, तो इस विनष्ट ज्ञान को फिर से कौन बतलाएगा? क्योंकि भगवान लीला संवरण के क्रम में है, लीला समापन हो रही है, लीला को समेटा जा रहा है। यदुवंश वापस जाने के लिए ऋषियों के श्राप द्वारा पहले ही नियत किया जा चुका है। महाभारत समाप्त हो चुका है, कलयुग आने वाला है। उद्धव कहते हैं कि भगवान आपके यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से चले जाने से, वैसे तो भगवान सर्वत्र व्याप्त है, पर लीला संवरण की इस प्रक्रिया में यदि आप ये ज्ञान स्पष्ट करके जाएंगे, तो समयांतर पर आपके द्वारा भेजे गए पार्षदों के द्वारा, आपके भक्तों के द्वारा इसको नियमित किया जा सकता है। पर ज्ञान का प्रस्फुटीकरण भगवान आपके द्वारा हो, क्योंकि आपसे बड़ा संरक्षक कौन है? तत्त्वम् न सर्वधर्मज्ञ धर्मस्तद्भक्ति लक्षण यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो। अतएव हे प्रभो, समस्त धार्मिक नियमों का ज्ञाता होने के कारण आप मुझसे उन मनुष्यों का वर्णन करें जो आपके भक्ति मार्ग को संपन्न कर सके, और ये भी बताएं कि ऐसी भक्ति कैसे की जाती है। तो समस्त धार्मिक नियमों के ज्ञाता, वास्तव में वेदों के वचन भगवान के श्रीमुख से निश्चित है, इसलिए समस्त नियमों के ज्ञाता तो मूल रूप से भगवान ही है। और इसलिए यहाँ पर उद्धव पूछ रहे हैं कि आप उन मनुष्यों का वर्णन करें जो भक्ति मार्ग को संपन्न कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, भक्ति कर कैसे रहे हैं? भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, हम सामान्यतः सुनते हैं, पर उसकी आचार संहिता कहाँ है? भगवान कृपया उसे स्पष्ट करें। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच इत्थम स्वभृत्य मुख्येन पृष्ट स भगवान हरि प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानाम धर्मानाः सनातनान। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भक्त प्रवर श्री उद्धव ने इस तरह भगवान से प्रश्न किया, तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने समस्त बद्ध जीवों के कल्याण हेतु उन धार्मिक नियमों को बताया जो शाश्वत है। भगवान जो करते हैं, जो संचालित करते हैं या स्वयं क्रियान्वित करते हैं, वो सब कुछ शाश्वत होता है। भगवान बद्ध जीवों के कल्याण के लिए उन धार्मिक नियमों को बता रहे हैं। नियम शाश्वत है, जीव समयांतर पर उसको विस्मित कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है, अपनी सुविधा के अनुसार उसकी व्याख्या कर सकता है, पर वास्तव में मूल रूप से जहां से धर्म प्रवृत्त होता है, जब वो भगवान के मुख से निसृत होगा, तो आने वाले कई शताब्दियों तक भगवान के उन वचनों का महत्व यथारूप में रहेगा, संशोधन नहीं होगा। क्योंकि भगवान के मुख से निश्चित वचन जब अभ्यास में, पालन में, पीढ़ियों, वंश और परंपराओं में निहित कर दिए जाते हैं, तब वह सुरक्षित हो जाते हैं। कहते हैं भगवान, श्री भगवान उवाच धर्म एष तव प्रश्नो नै श्रेय सकरो नृणाम वर्णाश्रमा आचारवताम तम उद्धव निबोध मे। भगवान ने कहा, हे उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धार्मिक नियमों के अनुकूल है, अतः यह सामान्य मनुष्यों को तथा वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले दोनों ही को जीवन में सर्वोच्च सिद्धि अर्थात शुद्ध भक्ति को जन्म देता है। अब तुम मुझसे उन परम धार्मिक नियमों को सीखो। तो भगवान उद्धव को माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं, पर सामान्य जन को, बद्ध जीवों को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि शुद्ध भक्ति कैसे वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने से भी प्राप्त हो सकती है, उसके बारे में सूचित करने जा रहे हैं। क्योंकि सामान्यतया जनमानस में धार्मिक नियमों पर जब भी विचार करने की बात आती है, तो सांप्रदायिक सांसारिक विचारों की प्रमुखता होती है। मनुष्य ये विस्मृत कर देता है कि ये धार्मिक प्रणाली भी अंततः भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए इस जीवन में, इस जगत में केवल जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहने की भोगासक्त प्रकार से जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं है। धार्मिक प्रणाली जीवन जीव को सर्वोच्च सिद्धि दे सके, वो वैधानिक वैज्ञानिक व्यवस्था है। अंततः कृष्ण भावनामृत में जीव इस वर्णाश्रम प्रणाली से भी व्यवहार करते हुए आ सके,
इसको सुनिश्चित करती हुई इस प्रणाली को भगवान अभी उद्धव के माध्यम से हमें कहने जा रहे हैं। तो हमें स्पष्टता रखनी चाहिए अपने विचारों में कि सांप्रदायिक संकरणों से परे, क्योंकि सांप्रदायिक शब्द बहुत संवेदनशील हो जाता है, पर कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि धर्म तो मूल रूप से भगवान के द्वारा स्थापित किया गया है। धार्मिक नियमों की जो नियमावली है वो भी भगवान के द्वारा अपने मुख से निश्चित की गई है। व्यवहारिकता का पालन यदि गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त ज्ञान से हो रहा है, यदि उन नियमावली के अनुसार हो रहा है, तो सुव्यवस्था स्थापित रहती है। पर समय के प्रभाव से प्रकृति के नियंत्रण में जो बद्ध जीव हैं, वह अपनी अपनी व्यवस्था स्थापित करने लग जाते हैं और उसे हम सांप्रदायिकता कहने लगते हैं। तो उससे परे यहाँ पर भगवान युगों के अनुसार तक स्पष्ट करेंगे कि ये वर्णाश्रम कैसे संचालित होना चाहिए। जब भगवान ने वर्णाश्रम प्रणाली की स्थापना की तो उनका क्या उद्देश्य था? कहते हैं श्लोक संख्या 10 में, आदो कृत युगे वर्णो नृणाम हंसिति स्मृत कृत कृत्या प्रजा जात्या तस्मात् कृत युगम विदु। प्रारंभ में सतयुग में केवल एक सामाजिक श्रेणी थी जिसे हंस कहते थे, जिससे सारे मनुष्य संबद्ध होते थे। उस युग में सारे लोग जन्म से शुद्ध भगवत भक्त होते थे, इसलिए विद्वान लोग इस प्रथम युग को कृत युग कहते हैं, अर्थात ऐसा युग जिसमें सारे धार्मिक कार्य अच्छी तरह पूरे होते हैं। तो एक सामाजिक प्रणाली थी हंस नाम से, और सतयुग को कृत युग भी कहा गया है क्योंकि सभी धार्मिक कार्यों को ही अच्छे तरीके से पूरा कर रहे थे। तो सतयुग में देखा जाए तो उस क्रम में प्रकृति के निम्न गुणों का कोई प्रभाव नहीं था, कोई प्रभाव नहीं था। सारे मनुष्य उच्च आश्रम से संबंधित होते थे, सीधे भगवान के संरक्षण में रहते थे, सतोगुण को प्राप्त किए हुए वो सभी शुद्धता और अनन्य भक्ति की स्थिति में रहते थे। तो कोई निम्न गुणों का प्राधान्य नहीं था, कोई गौण नियमों का उदय नहीं था, और अपने उच्च अवस्था से व्यवहार करते हुए लोग धीरे धीरे भगवान की पूर्ण शरणागति की शुद्ध अवस्था को प्राप्त करते थे। तो सामान्य जनमानस के लिए कहा जा रहा है कि सतयुग में निकृष्ट व्यक्ति पाए ही नहीं जाते थे। जिन हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की बात की जा रही है वो मनुष्यों की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं, और देखा जाए तो उन्होंने भी अपने लिए जो आवश्यक शक्ति सामर्थ्य अर्जित किया था वो घनघोर अत्यधिक जटिल कठिन तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया था। तो आचार्यों की भाषा में जब व्यक्ति सारे कर्तव्यों को ठीक से पूरा करता है, तब उस युग को कृत कृत्य कहा जाता है। तो सतयुग कृत युग कहा जाता है। वर्णाश्रम प्रणाली जब भगवान कहते हैं कि समाज की व्यवस्था स्थापित करने के लिए, तो ये कोई कपोल कल्पित नहीं है, ये सृष्टि के साथ स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई और सतयुग में केवल एक थी, हंस, अर्थात सभी प्रणाली सभी मनुष्य एक ही प्रणाली के अंतर्गत कार्य कर रहे होते थे। कहते हैं भगवान आगे बताते हुए, सतयुग के इस हंस वर्णाश्रम प्रणाली के लिए वेद प्रणव एवाग्रे धर्मोहम ऋषरूपद्रे उपासते तपोनिष्ठा हंसम माम मुक्त किल्बिषाम। सतयुग में अविभाज्य वेद ओम अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है, और मैं ही एकमात्र मानसिक कार्यों का लक्ष्य हूँ। मैं चार पैरों वाले धर्म रूपी बैल के रूप में प्रकट होता हूँ, जिससे सतयुग के निवासी तपस्या निष्ठ तथा पाप रहित होकर भगवान हंस के रूप में मेरी पूजा करते हैं। तो जब हमने बिल्कुल आरंभ में स्कंद एक पढ़ना श्रवण किया था, समझना, तब वहां पर इन्हीं परीक्षित महाराज के समक्ष बैल एक पैर पर खड़ा था, और हमने वहां पर समझा था कि धर्म के जो चार स्तंभ हैं, तप, शौच, दया, सत्य, सतयुग में धर्म रूपी बैल के ये चारों पांव तपस्या, स्वच्छता,
दया और सत्य ये चारों सिद्धांत स्थापित थे। कहते हैं भगवान सतयुग में सारा वैदिक ज्ञान केवल ओमकार द्वारा ही समझा जा सकता था। इसलिए जब हम प्रहलाद महाराज के लिए भी श्रवण करते हैं, ध्रुव के लिए जब हम श्रवण करते हैं, तो हम क्या सुनते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस युग में सतयुग के लिए कह रहे हैं कि इस युग में कोई यज्ञ जैसे अनुष्ठान की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति तपस्वी और भगवान हंस के ध्यान में निमग्न रहता था। तो ये सतयुग की स्थिति है जहाँ धर्म के चारों स्तंभ हैं, जहाँ एक वर्ण प्रणाली है, जहाँ सभी तपनिष्ठ होकर भगवान के ध्यान में रहते हुए अपने कार्य कर रहे हैं। आगे भगवान त्रेता युग के बारे में बताने जा रहे हैं। कहते हैं, त्रेता मुखे महाभाग प्राणात्मे हृदयात्रयी विद्या प्रादुर्भूतस्या अहम आसम त्रिवृत्मक। हे परम भाग्यशाली, त्रेता युग के प्रारंभ में प्राण के स्थान से जो कि मेरा हृदय है, वैदिक ज्ञान तीन विभागों में प्रकट हुआ। ये हैं ऋग साम तथा यजु। तत्पश्चात उस ज्ञान से मैं तीन यज्ञों के रूप में प्रकट हुआ। त्रेता सतयुग के धर्म के चार स्तंभ थे, जहां तप था, जहां शौच थी, शुद्धता थी, जहां दया था और जहां सत्य था। त्रेता में आने पर धर्म रूपी जो बैल, जो यहाँ पर व्याख्या की जा रही है, उसका एक पाँव नष्ट हो गया है। कहा गया है यहाँ पर धर्म का 75% तीन वेद ऋग साम तथा यजु रूप में प्रकट होता है। त्रेता युग में तीन वैदिक यज्ञों की विधि के रूप में भगवान उपस्थित है। ये तीन विभाग कहे जा सकते हैं। भूता जो पुरोहित हैं, अग्नि में आहुति डालते हैं, ऋग्वेद का उच्चारण करते हैं। उद्गाता सामवेद का, जो उनको सहयोग करते हैं, वो सामवेद के उच्चारण करते हैं। अर्धव्यू जो कि यज्ञशाला की तैयारी करते हैं, वह यजुर्वेद का उच्चारण करते हैं। तो त्रेता युग में यज्ञ को आध्यात्मिक सिद्धि की प्रामाणिक विधि के रूप में स्थापित किया गया है। आगे उल्लेख करते हुए बतला रहे हैं कि सतयुग से त्रेता आते ही विप्रक्षत्रिय विटशूद्र मुख बाहु उर्पाद चा वैराजात पुरुषात जाता ये आत्म आचार्य लक्षणा। त्रेता युग में भगवान के विराट रूप से चार जातियां प्रकट हुई। ब्राह्मण भगवान के मुंह से, क्षत्रिय भगवान की बाहों से, वैश्य भगवान के जंघों से तथा शूद्र उस विराट रूप के पांवों से प्रकट हुए। प्रत्येक विभाग को उसके विशिष्ट कर्तव्यों तथा आचार व्यवहार से पहचाना गया। तो यहाँ जब ब्राह्मण को भगवान के मुख से कहा जा रहा है, तब इसका अर्थ है कि वेद वाद रता जो वेद के अध्ययन में, पठन पाठन में, समाज की आचार संहिता को, नीति निर्देशक तत्वों को मनन करने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा गया। जो रक्षा करने के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए रहे, कहा गया क्षत्रिय भगवान की भुजा से विराट स्वरूप में, हमने स्कंद दो में इसे श्रवण किया था, तब उन्हें क्षत्रिय कहा गया है। जंघा से भगवान के जो अर्थार्थी कार्यों में लगे हुए हैं, जिनके जीवन में खेती, कृषि उत्पादन, व्यापार व्यवसाय और वैश्य उत्पन्न हुए हैं, और शूद्र कहे गए हैं भगवान के विराट रूप के पाव से उत्पन्न होते हैं, जो सेवा के कृत्य में लगे हुए हैं। तो विशिष्ट कर्तव्यों, आचार व्यवहारों से इन जीवों को चिन्हित किया जा सकता है। ये त्रेता युग के इस चार प्रकार के विभाग के उद्भव के बारे में भगवान स्वयं बता रहे हैं। कहते हैं आगे, गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्यम हृदो मम वक्ष स्थलात वने वास संन्यास शीर्षे स्थित। विवाहित जीवन मेरे विश्व रूप के जघन प्रदेश से प्रकट हुआ और ब्रह्मचारी विद्यार्थी मेरे हृदय से निकले।
जंगल में निवास करने वाला विरक्त जीवन मेरे वक्षस्थल से प्रकट हुआ और सन्यास मेरे विश्व रूप के सिर के भीतर स्थित था। तो वर्ण और आश्रम, वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास के बारे में बताया। सन्यास विराट रूप के सिर में स्थित है, वानप्रस्थ वक्षस्थल में, ब्रह्मचारी हृदय से और जघन रूप में, जघन प्रदेश से विवाहित जीवन के रूप में। इस व्यवस्था को भगवान ने स्वयं स्थापित किया। उसके पश्चात श्लोक संख्या 15 में कहते हैं, वर्णानाम आश्रमाणाम च जन्म भूमि अनुसारिणी आसन प्रकृतयः नृणाम नीचे नीचोत्तम उत्तमाम। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के समय की निम्न तथा उच्च प्रकृतियों के अनुसार मानव समाज के विविध वृत्तिपरक वर्ण तथा सामाजिक आश्रम अर्थात विभाग प्रकट हुए। तो ये विस्तृत वर्णन था जहाँ स्कंद 2 में 10 अध्याय थे और करीब नारद मुनि द्वारा पूछे जाने पर ब्रह्मा जी के द्वारा विराट स्वरूप, मानव समाज के आचार व्यवहार, इन सभी संवादों को, क्योंकि हंस ने, हंस रूप में भगवान ने ब्रह्मा जी को उनके पुत्रों को सुनाया है और समयांतर पर ब्रह्मा जी द्वारा वो नारद मुनि को सुनाया जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को यह संवाद विभिन्न वक्ता और श्रोता के युग में पहले सुना चुके हैं स्कंद 2 में। यहाँ पर क्योंकि भगवान से पूछे जाने पर, उद्धव के कहने पर भगवान पुनः निवेदित कर रहे हैं, इसलिए कालक्रम के विवरण में स्वयं भगवान के मुख से निश्चित इस विषय को हम लोग पुनः श्रवण कर रहे हैं। तो प्रकृति के अनुसार जन्म के समय जीव ने जो प्रवृत्ति रखी है, गुण कर्म और स्वभाव, इस प्रकार वृत्ति परक व्यवस्था वर्ण कही गई है, कैसा स्वभाव है वृत्ति परक व्यवस्था, और समाज के वर्गीकरण के लिए आश्रम, ये विभाग प्रस्तुत किए गए। अब इस वृत्ति परक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की वृत्ति कैसी होती है उसको स्पष्ट करते हैं। भगवान कहते हैं, शमो दम तप शौचम संतोष शांति आर्जवम मद भक्ति च दया सत्यम ब्रह्म प्रकृत यस्त्विमा। शांति, आत्मसंयम, तपस्या, शुद्धि, संतोष, सहनशीलता, सहज स्पष्टवादिता, मेरी भक्ति, दया तथा सत्य, ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक गुण हैं। हमें स्मरण रखना चाहिए कि एक प्रकार के जीव में एक से अधिक प्रकार के गुण पाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ सहन शक्ति, सहनशीलता, संतोष, शांति, ये ब्राह्मणों के गुण में बताई जा रही है। आगे जब हम लोग क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण के बारे में पढ़ेंगे, यदि सहनशीलता क्षत्रिय को रखनी है तो व्यक्ति विशेष के रूप में वो स्वयं के लिए रख सकता है, पर समाज के संचालन के लिए यदि वह सामने से किए गए आक्रमण के समय कहे कि हम शांत हैं तो ये स्वभाव उसको सुशोभित नहीं होता। क्षत्रिय के रूप में जिसने प्रशासन संभाल रखा है उसके सामने वीरता, बहादुरी, शारीरिक बल, इन सब गुणों की आवश्यकता है। तो एक व्यक्ति में एक से अधिक वर्ण के गुण निश्चित रूप से हो सकते हैं, निर्धारित ये होता है कि वो किस प्रकार के कर्म में प्रवृत्त है और उसको उस समय उस प्रकार के कर्म से संबंधित गुणों का प्रस्तुतिकरण करना आवश्यक है। तो जहां ब्राह्मण के लिए शांति, आत्म संयम, तपस्या, शुद्धि, संतोष, सहनशीलता, दया, सत्य, मेरी भक्ति बतलाई गई है, वहीं क्षत्रियों के लिए कहते हैं, तेजो बलम धृति शौर्यम तितिक्षोदार्यम उद्यम
स्थैर्यं ब्रह्मन्नम ऐश्वर्यं शत्र प्रकृतयस्त्विमां। तेजस्विता, शारीरिक बल, संकल्प, बहादुरी, सहनशीलता, उदारता, महान प्रयास, स्थिरता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति तथा नायकत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो जो भगवान की भक्ति में संलग्न ब्राह्मण है, स्वभाव से, स्वाभाविक गुण की बात की जा रही है, उनके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करना है, क्योंकि वो समाज को ज्ञान परक जो सिद्धांत है उसे व्यवहार में कैसे पालन किया जाए इस पर मनन करके सूत्र के रूप में प्रदान करते हैं। तो क्षत्रियों का ब्राह्मणों के प्रति भक्ति और नायकत्व समाज का मार्गदर्शन कर सके, ऐसे नायकत्व के गुण क्षत्रियों में उपस्थित होने चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, पर संकल्प, तेजस्विता, शारीरिक बल और बहादुरी होनी चाहिए। तो प्रशासन के रूप में इसीलिए जब किसी राज्य के उत्तरदायित्व का भार भावी शासक को संभालने की जिम्मेदारी पता होती थी, तो उसे आरंभिक जीवन से ही इन गुणों में प्रशिक्षित किया जाता था। इनका उद्भव कहाँ से हो रहा है, ये भगवान यहाँ अपने श्रीमुख से स्पष्ट कर रहे हैं। तो त्रेता युग में जाकर ये चार वर्ण और आश्रम बने हैं। सतयुग के लिए केवल एक ही वर्ण और एक ही आश्रम था। सभी तपस्या में लीन रहते थे, भगवान की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थापित रहते थे और उच्च प्रकृति गुणों वाले थे, किसी में निम्न गुण थे ही नहीं। श्लोक संख्या 18 में, आस्तिक्यं दान निष्ठा च अदम्भो ब्रह्म सेवनम अतुष्टि अर्थ उपचये वैश्य प्रकृतयः तु इमाम्। वैदिक सभ्यता में विश्वास, दानशीलता, दिखावे से दूर रहना, ब्राह्मणों की सेवा करना तथा अधिकाधिक धन संचय की निरंतर आकांक्षा, ये वैश्यों के प्राकृतिक गुण रहे हैं। तो अधिकाधिक धन संचय की निरंतर आकांक्षा, दानशीलता, और दोनों होते हुए अधिकाधिक धन संचय की आवश्यकता और दानशीलता होते हुए जो वैश्यों के प्रमुख गुण में बताया गया वो है दिखावे से दूर रहना। आचार्य लिखते हैं, अतुष्टि अर्थोपचय, वैश्य कभी धन संचय में तुष्ट नहीं होता, चाहे वो कितना भी कर ले। वो अधिकाधिक संचय करना चाहता है पर वह दान निष्ठ होता है, दान पुण्य करता रहता है। वह दिखावे से दूर रहता है पर जीवन शैली की इस पूर्ण निष्ठा और विश्वास के कारण कि अपने वर्तमान कार्यों के द्वारा ही वह अगले जीवन में दंडित या पुरस्कृत होगा, वह धन संचय और दान दोनों एक साथ करता है। तो धन संचय की तीव्र इच्छा सामान्य लालच जैसी नहीं होती है। इस श्लोक में वर्णित उच्च गुण है ये, धन संचय की प्रवृत्ति, आकांक्षा रखना, कभी तुष्ट न होना, पर किस लिए, दिखावे के लिए नहीं। दिखावा लालच के द्वारा दंभ लाता है। आचार्य इसे समय लगाकर यहाँ पर तात्पर्य में स्पष्ट कर रहे हैं। वैश्य स्वभाव है, यदि किसी का धन संचय की अत्यधिक आकांक्षा, कभी तुष्ट न होना, यह निकृष्ट में नहीं बताई गई है। कहा गया है यह इस श्लोक में वर्णित उच्च गुण है जो विमल तथा अनुकूल है शास्त्र के, वैदिक शास्त्र की शिक्षा के अनुसार यह अनुकूल गुण है, धन संचय की अत्यधिक तीव्र आकांक्षा करना, पर वो सामान्य लालच जैसी नहीं, दिखावे दंभ के लिए नहीं, अपितु दान करने के लिए। ब्राह्मणों की जो लगे हुए हैं समाज में नीति निर्देशक तत्व को स्थापित करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, बहुत महत्व की बात है। कई बार हम सिर्फ ऊपर ऊपर से शब्दों को उठा लेते हैं और उसके मूल अर्थ पे रह जाते हैं। अत्यधिक धन संचय करने की तीव्र आकांक्षा यदि हम में है तो हमें अपने आप को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति मार्ग से विमुख हैं या परे हैं, पर उस धन का उपयोग क्या है, लक्ष्मी किस लिए प्रयोग की जानी चाहिए, लक्ष्मी भगवान की सेवा में प्रयोग की जानी चाहिए। जो समाज में धर्म का, भगवान की भक्ति का कार्य करने में प्रयासरत हैं, उनको सहयोग करने में प्रयोग की जानी चाहिए।
आगे कहते हैं श्लोक संख्या 19 में, शुश्रूषणं द्विज गवां देवानां चाप्य अमायया तत्र लब्धेन संतोष शुद्र प्रकृतयः तु इमां। ब्राह्मणों, कौमों, देवताओं तथा अन्य पूज्य पुरुषों की निष्कपट सेवा तथा ऐसी सेवा करने से जो भी आमदनी हो जाए उससे पूर्ण तुष्टि रखना, ये शूद्रों के स्वाभाविक गुण गए हैं। तो समाज के किसी भी, हम वर्तमान की भी किसी भी व्यवस्था में चले जाएं, शास्त्र में शूद्र निकृष्ट नहीं कहे गए हैं, तथापि अपने कपोल कल्पित सिद्धांतों के अनुसार जीवों ने उनको इस श्रेणी में रख दिया है। समाज के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग अपने अपने स्वभाव और कर्म के आधार पर बनाए गए भगवान की व्यवस्था में उच्च और निम्न नहीं थे, किन प्रकार के गुणों को धारण करके जीव व्यवहार कर रहा है उससे संबंधित थे। किसी भी व्यवस्था में हम देख लें, वर्तमान में जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें इसी शूद्र व्यवस्था को जो भगवान की वर्ण व्यवस्था में स्थापित है, इसे सर्विस सेक्टर कह दिया जाता है, सेवा करने की। किसी भी क्षेत्र में हम चले जाएं, बड़े से बड़े बैंक में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े होटल में, बड़े से बड़े किसी भी संस्थान में हम चले जाएं, ग्राहक को, कस्टमर को, उसके लिए अपेक्षित सेवाएं और सुविधाएं देना प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। बड़ी बड़ी सोशल मीडिया की साइट्स पे संचार के माध्यमों द्वारा, स्टार के द्वारा बताया जाता है यहाँ की सेवाएं कितने स्टार रेटेड हैं, कितनी संतुष्ट करने वाली हैं आने वाले आगंतुकों के लिए। तो सामाजिक व्यवस्था में सर्विस सेक्टर, सेवा का विभाग बहुत महत्व का है। कल्पना करें, हम किसी होटल में चले जाएं, किसी टूरिस्ट स्पॉट पर चले जाएं, तीर्थ स्थानों में चले जाएं, कितनी सुगमता है आगंतुकों के लिए उस सुविधा विशेष का प्रयोग करने के लिए, उससे निर्धारित होता है कि वहां कितना सुव्यवस्थित संचालन है। तो उसी प्रकार से वेदों की भाषा में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था वेदों के अनुसार समुचित ढंग से कार्य कर सके, तभी हर व्यक्ति सुखी और संतुष्ट रहेगा। जब यहाँ उल्लेख किया गया है कि ऐसी सेवा करने से किसकी, ब्राह्मणों की, गायों की, देवताओं की, अन्य पूज्य पुरुषों की निष्कपट सेवा करने से, वर्तमान में लिखा जाता है ग्राहक ही भगवान है, भगवान नहीं है, ये तो कलयुग का दुष्प्रभाव है। तथापि जो सिद्धांत है, जो सूत्र है, वो ये कहने का है कि इस प्रकार की सेवाएं दी जाएं कि जो आगंतुक हैं वो संतुष्ट होकर लौटे। तो उसी अर्थ में यहाँ पर कहा गया, ब्राह्मणों, गौओं, देवताओं तथा अन्य पुरुषों की निष्कपट सेवा तथा ऐसी सेवा करने से जो आमदनी हो जाए उससे पूर्ण तुष्टि, ये शूद्रों के स्वाभाविक गुण है। और आचार्य आगे स्पष्ट कर रहे हैं, यद्यपि शूद्रों को सेवा कार्य करने से जो भी आमदनी होती है उसी से संतुष्ट रहना पड़ता है, किंतु उन्हें ऐसी किसी भी आवश्यक वस्तु का अभाव नहीं खटकता, क्योंकि समाज के अन्य वर्ण यथा क्षत्रिय, वैश्य नितांत उदार होते हैं और ब्राह्मण तो सर्वाधिक दयालु होते हैं। इसलिए यदि सारी सामाजिक श्रेणियां वैदिक आदेशों का पालन करें तो कृष्ण भावनामृत के मार्गदर्शन में संपूर्ण मानव समाज को नवीन तथा आनंदमय जीवन प्राप्त हो सकता है। तो जिस प्रकार वैश्य धन अर्जित करता है, अत्यधिक संचय करता है, पर दान देने से नहीं हिचकता, दिखावा करने के लिए धन अर्जित नहीं करता, अपने धन से वो राजा को, प्रशासन को और ब्राह्मण को, गुरुओं को संतुष्ट रखता है। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्षत्रिय शूरवीरता, संकल्प, तेजस्विता, शारीरिक बल को धारण करता है समाज के अन्य तीन वर्णों की रक्षा करने के लिए। ब्राह्मण को कहा गया है स्वभाव से अत्यधिक उदार होते हुए, ब्राह्मण के यहाँ कहीं पे नहीं लिखा है धन अर्जित करने की प्रवृत्ति होती है, अपितु वो और अधिक देने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस प्रकार जो सर्विस सेक्टर में है, सेवा में है, वो अच्छी सेवाओं के बदले उत्कृष्ट स्तर का
अनुदान भी प्राप्त करते हैं। तो शिव यदि हम विचार करके देखें तो सेवा के जितने भी विभाग हैं वर्तमान में भी, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, बैंकिंग या और भी जो भी हम सोच सकते हैं, तुरंत में सोचने में हम जहां भी हम सोच सकते हैं वहां अपनी सेवाओं के बदले में उनके द्वारा जो अनुदान राशि रखी जाती है, देखा जाए तो उससे अभाव की तो कोई बात ही नहीं है। कलयुग में जीवों के प्रकार के अनुसार, जीवों के मनोभाव के अनुसार सेवाओं का भी स्तर हो जाता है। तो हमें 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार प्रकार की सुविधाओं के लिए उतनी ही अनुपात में धन का व्यय करना होता है। पर वैदिक प्रणाली के अनुसार जो सेवा के क्षेत्र में लगे हुए हैं उनको कभी भी अभाव खटकता नहीं था, अभाव था ही नहीं, क्योंकि अन्य 3 वर्ण अत्यधिक उदारता के साथ व्यवहार करते थे। समयांतर पर ये प्रणाली विक्षेपित कर दी गई इसके मूल उद्देश्य से, इसलिए सभी प्रकार की असंतुष्टि और अभाव उत्पन्न हुए। श्लोक संख्या 20 में कहते हैं, अशौचम अनृतमस्तेयम नास्तिक्यम शुष्क विग्रह काम क्रोधश्च तर्षश्च सभावो अंत्यावसायिनाम। अस्वच्छता, बेईमानी, चोरी करना, नास्तिकता, व्यर्थ झगड़ना, काम क्रोध एवं तृष्णा, ये उनके स्वभाव हैं जो वर्णाश्रम प्रणाली के बाहर निम्नतम पद पर हैं। तो असंतोष बहुत महत्व का है, व्यर्थ झगड़ना, झगड़ा करना, अनावश्यक की प्रतिस्पर्धा करना, अस्वच्छता, बेईमानी, काम क्रोध एवं तृष्णा, और सबसे मूल में ये सभी कहाँ आ रही हैं, नास्तिकता। तो जो भगवान के द्वारा स्थापित ये वैज्ञानिक शब्द वर्तमान समाज का शब्द नहीं है, ज्ञान और विज्ञान हमारे यहाँ हमेशा से प्रचलित रहा है। ज्ञान वो शुष्क सिद्धांत हैं जो शास्त्रों में लिखे हैं, शुष्क इसलिए क्योंकि वो शब्दों में व्यक्त हैं, व्यवहार में नहीं है, और विज्ञान इसलिए क्योंकि जब वो प्रयोग किए जाने लगे। तो वैज्ञानिक प्रणाली से स्थापित वर्णाश्रम व्यवस्था में जो भगवान के द्वारा संस्तुत है, न अस्वच्छता है, न बेईमानी है, न चोरी करने की प्रवृत्ति है, नास्तिकता तो है ही नहीं, अनावश्यक झगड़ना, काम क्रोध तृष्णा, ये सभी अनुपस्थित हैं जो शास्त्र अनुमोदित वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करता है। पर जो इस प्रणाली के बाहर रहते हैं उनके लिए ये सभी मूल रूप से उनके स्वभाव के अंश के रूप में दिखते हैं। श्रद्धा नहीं होती, नास्तिकता होती है, स्वच्छता नहीं होती, अत्यधिक अस्वच्छता होती है। वर्तमान में सफाई का जो मानदंड है, आचार्य लिखते हैं, तथा कथित शिक्षित जनों में भी अत्यधिक गर्हित है, अर्थात निम्न है। बिना स्नान किए रहते जाना, अशिष्ट भाषा का प्रयोग करना, ईश्वर के साम्राज्य में विश्वास ना होना, अनावश्यक छोटे छोटे भौतिक शरीर से संबंधित विषयों पर झगड़ा करते रहना। लिखते हैं आचार्य, कलयुग में तो काम क्रोध और तृष्णा की कोई सीमा ही नहीं रह गई है। अपनी पापमयी आदतों के कारण पशु हत्या, अवैध यौन, नशा करना, जुआ खेलना, प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे की ही हत्या कर देना, ये सभी गुण, या दूसरे शब्दों में कहें तो अवगुण, प्रचुर मात्रा में दिख रहे होते हैं। पर वास्तव में जो वर्णाश्रम प्रणाली का पालन कर रहे होते हैं, अपने गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार व्यवहार कर रहे होते हैं, उनके लिए लिखा गया है, अहिंसा सत्यम अस्तेयम काम क्रोध लोभता भूत प्रिय हित एह च धर्मायम सार्ववर्णिक। अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, अन्यों के लिए सुख तथा कल्याण की इच्छा एवं काम क्रोध तथा लोभ से मुक्ति, ये समाज के सभी सदस्यों के कर्तव्य हैं।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए अलग अलग से नहीं, ईमानदारी, अन्यों के सुख एवं कल्याण की इच्छा करना और काम क्रोध लोभ से मुक्ति। विचार करके देखें तो इन 6 से 8 गुणों के बारे में जो इस श्लोक में वर्णित है हमारी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है। जब जीव अन्यों के सुख और कल्याण की इच्छा से कार्य करने लगे, जब वो काम क्रोध लोभ से मुक्त हो जाए, अहिंसा जीवों की हत्या। आजकल वर्तमान में यदि देखा जाए, हम लोग कई बार सोचते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने 4 नियम दिए हैं तो अत्यधिक कठिन है। अभक्ष्य भक्षण करना, जिसमें किसी भी प्रकार के मांस की स्वीकृति नहीं है, अभक्ष्य भक्षण में डाला गया उसे। इससे कौन सा गुण समाप्त हो जाता है जीवों में? दया का। अभक्ष्य भक्षण करने से जीवों में दया का गुण समाप्त हो जाता है। और इसलिए जब हम आसपास जीवों को एक दूसरे के प्रति इतना संवेदनहीन देखते हैं, उसका कारण यह है कि खाने में शुचिता नहीं है। जैसा अन्न वैसा मन, खाने में शुचिता नहीं है, इसलिए संवेदनाओं को अनुभूत करने की स्वाभाविक व्यवस्था समाप्त हो रही है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 22 में, द्वितीयं प्राप्य ना आनुपूर्व्यात् जन्म उपनयनं द्विज वसन गुरुकुले दान्तो ब्रह्माधीत चाहुत। समाज का द्विजन्मा सदस्य संस्कारों के द्वारा गायत्री दीक्षा होने पर दूसरा जन्म प्राप्त करता है। गुरु द्वारा बुलाए जाने पर उसे गुरु के आश्रम में रहना चाहिए और आत्मनियंत्रित मन से सावधानी से वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। तो आगे समाज की प्रणाली के बारे में बतलाते हुए द्विज शब्द यहाँ पर उनको कहा गया है जो दीक्षा के द्वारा, आध्यात्मिक दीक्षा के द्वारा दूसरा जन्म प्राप्त कर लेना जिन्हें कहा जाता है। पहला जन्म माता पिता के संयोजन से होता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जीव निश्चित रूप से बुद्धिमान या प्रबुद्ध होगा। आध्यात्मिक ज्ञान से प्रबुद्ध होने के लिए विद्यार्थियों को शिक्षकों के संग समय व्यतीत करने के लिए गुरुकुल, गुरु के आश्रम में रहने की व्यवस्था बताई गई थी। वर्तमान में श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में विश्व भर में ऐसे गुरुकुलों की स्थापना कर रखी है। सभ्य व्यक्तियों को निर्माण करने के लिए उनकी नींव उचित शिक्षा से प्रबंधित होनी चाहिए। कहते हैं यहाँ पर आचार्य कि प्रत्येक बालक तथा बालिका को आत्मनियंत्रित बनना सीखना चाहिए, प्रामाणिक वैदिक साहित्य के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनना चाहिए, अन्यथा पशु योनि में, कीड़ों की योनि में, मछली अन्य जलचरों की योनि में, पक्षियों की योनि में वह पुनः जन्म ले सकता है और ज्ञान में अपूर्णता के कारण चरम मुक्ति से वंचित हो सकता है। क्रमबद्ध परिष्कार, परिष्कृत करने की, शुद्ध करने की, क्रमबद्ध रूप से चरित्र को शुद्ध परिष्कृत करने की विधि से जीव सभ्य बन सकता है। गुरु की उपस्थिति में विनीत बनकर शिक्षा ग्रहण करके समाज को मार्गदर्शन दे सकता है। तो तत्कालीन त्रेता युग की व्यवस्था के अनुसार जो उल्लेख है उसे प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं भगवान, मेखला अजिन दंडाक्ष ब्रह्म सूत्र कमंडलून। जटिल अधौत दत्वास अरक्त पीठ कुशान दधत। ब्रह्मचारी को नियमित रूप से मूंज की पेटी तथा मृगचर्म के वस्त्र धारण करने चाहिए, उसे जटा रखनी चाहिए और दंड तथा कमंडल धारण करना चाहिए। उसे अक्ष के मनके तथा जनेऊ धारण करना चाहिए। अपने हाथ में शुद्ध कोश लिए हुए उसे कोई भी, कभी भी कोई विलासपूर्ण या उत्तेजक आसन नहीं ग्रहण करना चाहिए।
उसे व्यर्थ दांत नहीं चमकाने चाहिए, नहीं अपने वस्त्रों से रंग उड़ाना या उन पर लोहा करना चाहिए, स्त्री करना चाहिए। तो वर्तमान युग में जब हम कृष्ण भावना भावित ब्रह्मचारियों की बात करते हैं, तो बाहरी पहनावे और दिखावे पर उतना जोर नहीं है जिसको यहाँ पर उल्लिखित किया गया है। ये गुण वास्तव में, ये धर्म की बातें मर्म में कहाँ स्थापित है, व्यवहार में क्या है, ये सब क्यों करने के लिए कहा गया है? आत्मसंयम, तपस्या, नम्रता, अनुशासन, चरित्र की दृढ़ता, हृदय की शुद्धि, इन सब पर अधिक ध्यान देते हुए इन अनावश्यक दिखावटी उपक्रमों से जीव अपना समय बचा सके, अपव्यय न होने दे, इसके लिए ये उल्लेखित है। कहते हैं आचार्य, आत्मसंयम, शुद्धि तथा गुरु की आज्ञा पालन की आज भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी की वैदिक काल में थी। आगे बताते हैं श्लोक संख्या 24 में, स्नान भोजन होमेशु जपोच्चारे च वाग्यत नक्षिन्दात्मक रोमाणी कक्षोपस्थ गतान्यपि। ब्रह्मचारी को चाहिए कि स्नान करते, खाते, यज्ञ करते, जप करते या मलमूत्र विसर्जन करते समय मौन रहे। वह अपने नाखून तथा कांख एवं गुप्तांग सहित किसी अंग के बाल नहीं काटे। तो वास्तव में ये वैदिक ब्रह्मचारी का ये पारिभाषा वाला उत्तर है, उद्धरण है, जो भगवान यहाँ पर उल्लिखित कर रहे हैं। हमें स्मरण रखना चाहिए कि व्यवहारिक रूप से इन गुणों का परिणाम क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में दिखना चाहिए, आत्मसंयम दिखना चाहिए, अन्यों के प्रति अनावश्यक रूप से काम, क्रोध और लोभ की भावना से मुक्त रहना चाहिए, हृदय की शुद्धि, विचारों की प्रवीणता, नम्रता, चरित्र की दृढ़ता, इन गुणों को धारण करने का अभ्यास रखना चाहिए। बाह्य रूप से यहाँ लिखते हैं आचार्य, जिस प्रकार वैदिक ब्रह्मचारी का विवरण स्कंद 7 अध्याय 12 में नारद मुनि ने दिया है, वह ज्ञान का मूल यहाँ से ही आरंभ हो रहा है। तो अगले सत्र में हम सभी इस क्रम को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए ये सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, किसी प्रकार की टिप्पणी के लिए आप जहाँ भी जुड़े हैं वहाँ अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।